सम्मान्य साथियों, जय हिंद। आइए आज के इस कालखंड में हम जानते हैं कि एक विद्यालय में मरम्मत से संबंधित कौन कौन से कार्य कराए जा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पूर्व में हमारे विद्यालयों में शाला भवन मरम्मत निधि आया करती थी, ठीक है, परंतु आजकल शाला एकीकृत निधि अर्थात कंपोजिट ग्रांट के अंतर्गत 25,000 50,000 की राशि विद्यालयों में आ रही है। तो इस राशि से हम मरम्मत कार्य करवाते हैं। और साथियों, इस कालखंड में हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से कार्य मरम्मत कार्य के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा, मेरे पीछे व्हाइट बोर्ड पर मैं उन कार्यों को लिख के रखा है। यहीं से हम चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इन कार्यों को हम मरम्मत कार्य के अंतर्गत करवा सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर एक विद्यालय में मरम्मत के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, ये शीर्षक दिया है। और साथियों, सबसे पहले ही मैंने लिख दिया है कि शाला भवन की छोटी मोटी मरम्मत की जा सकती है। मरम्मत के अंतर्गत विद्यालय में जो छोटी मोटी मरम्मत के कार्य आते हैं, विद्यालय में बहुत सारी जो चीजें होते हैं, कमरे होते हैं, ठीक है, और प्रांगण की हम बात करें तो यहाँ पर जो है हम छोटी मोटी जो टूट फूट है उसकी हम मरम्मत करवा सकते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य हम करवा सकते हैं, आगे हम देखते हैं। तो देखिएगा, शाला भवन के खिड़की, दरवाजे, टॉयलेट, बाउंड्री वॉल, गेट आदि की मरम्मत भी की जा सकती है। निश्चित तौर से साथियों, जैसा कि हमारे घरों में हमारे मकानों को मरम्मत की आवश्यकता होती है और प्रतिवर्ष हम उनकी मरम्मत करते हैं, उसी तरह हमारे विद्यालय को भी मरम्मत की आवश्यकता होती है। कई बार कई वजह से टूट फूट हो जाती है, बरसात की वजह से या अन्य कारणों की वजह से, तो इनको हमको सुधारने की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई खिड़की टूट गई मान लिया जाए, या कोई दरवाजे में रिपेयर की आवश्यकता है, या इस तरह टॉयलेट की हम बात करें, या बाउंड्री वॉल में कोई टूट फूट हो गई है ना, थोड़ा बहुत छपने की आवश्यकता है, या गेट वगैरह में कोई चीज लगाने की आवश्यकता है, या कहीं कुछ टूट गया है, तो हम इस पर जो राशि है वो व्यय करके मरम्मत करवा सकते हैं। आगे हम देखेंगे साथियों, तो दरवाजे खिड़कियों पर पेंट किया जा सकता है। निश्चित तौर से प्रतिवर्ष हमारे विद्यालय को सजाने के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर पेंट लगाने की आवश्यकता होती है, तो ये भी मरम्मत कार्य के अंतर्गत ही आता है। आगे हम देखेंगे तो क्रैक, दरारे भरने का कार्य भी किया जा सकता है। देखिएगा, बरसात की वजह से या अन्य कारणों से कभी कभी दरारें आ जाती हैं, या हल्की फुल्की आप देखेंगे दीवारों में या छत में या कहीं बाउंड्री वॉल में हल्की सी फटन आ जाती है, तो उसकी रिपेयरिंग भी मरम्मत कार्य के अंतर्गत आती है, ठीक है। और आगे हम देखेंगे तो भवन के छत पर रिसाव आदि की मरम्मत की जा सकती है। कई बार यह होता है कि छत भी जो टपकने लगती है, कहीं से पानी का रिसाव होने लगता है, तो ये भी मतलब करें मरम्मत कार्य के अंतर्गत हम करवा सकते हैं। आगे हम देखेंगे साथियों, तो ग्रीन ब्लैक चाक बोर्ड होते हैं, है ना, जिसको कि हम ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड कहते हैं, ये इनको या जो सूचना फलक जो फलक है कहना चाहिए, उसका निर्माण कार्य करवा सकते हैं। नए वाले जो है ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड या जो सूचना फलक है वो बनवा सकते हैं, ये भी मरम्मत कार्य के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे साथियों, तो शाला में रैंप का निर्माण किया जा सकता है या इसकी मरम्मत कर सकते हैं। देखिएगा, जो हमारे दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए निश्चित तौर से हमको रैंप बनवाने की आवश्यकता होती है, तो रैंप यदि हमारे विद्यालय में नहीं है तो मरम्मत के अंतर्गत हम रैंप निर्माण कार्य भी करा सकते हैं। कई विद्यालयों में रैंप के लिए अलग से पैसा भी आ जाता है, यदि नहीं आया है तो हम हमारी एकीकृत निधि से ही हम जो रैंप का निर्माण करवा सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे तो शाला भवन की रंगाई पोताई की जा सकती है। निश्चित तौर से जिस तरह से हमारे घरों को प्रतिवर्ष रंगाई पोताई की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे विद्यालय को भी हमें पोताना होता है, ठीक है, आवश्यक रंग रोगन करना होता है, तो यह भी मरम्मत कार्य के अंतर्गत आता है। आगे हम देखेंगे साथियों, तो रंगाई पोताई के बाद शाला भवन का नाम, कक्षों में लेखन कार्य, लोगो आदि का आदि बनवाया जा सकता है। देखिएगा, जब रंगाई पोताई हो जाए तो रंगाई पोताई हो जाने के पश्चात हमारे विद्यालय में का विद्यालय का जो नाम है या शैक्षिक जो लोगो हैं, ठीक है, और भी जो कक्षों में लेखन कार्य है, कई प्रकार के चार्ट, गिनती, पहाड़े वगैरह के जो चार्ट है या कोई चित्र है, तो वो भी जो है कहना चाहिए लेखन कार्य या जो सजावटी कार्य, वो भी मरम्मत के अंतर्गत ही आता है। आगे हम देखेंगे तो शाला भवन से जल निकासी का प्रबंध किया जा सकता है। साथियों, यदि शाला में जहाँ पेयजल स्रोत है वहां यदि पानी भर रहा है तो उसकी निकासी या जो किचन सेट बने हुए हैं वहां अगर जल की निकासी नहीं है तो उसके जल निकासी के लिए आप नाली वगैरह भी बनवा सकते हैं,
ठीक है। और आगे हम देखेंगे खेल के मैदान के गड्ढे भरवाए जा सकते हैं। साथियों यदि हमारे बच्चों के लिए खेल का जो मैदान है वहाँ यदि गड्ढे हो गए हैं हल्के फुल्के, तो उन गड्ढों को भरवाया जा सकता है, यह भी मरम्मत के अंतर्गत ही आता है। आगे हम देखते हैं टॉयलेट में सोक पिट न होने पर इसे बनवाया जा सकता है। साथियों यदि जहाँ टॉयलेट है और टॉयलेट में सोक पिट नहीं बने हैं गड्ढे, तो वहाँ सोक पिट भी बनवा सकते हैं और यह कार्य भी मरम्मत कार्य के अंतर्गत ही आता है। आगे हम देखेंगे हैंडपंप के पास से पानी निकासी की व्यवस्था करवाई जा सकती है। साथियों जिन विद्यालयों में हैंडपंप होते हैं तो निश्चित तौर से वहां हैंडपंप की वजह से पानी जमा होने लगता है, तो उस जमा पानी को निकालने के लिए भी हम नाली वगैरह या किसी प्रकार की व्यवस्था करवा सकते हैं और यह कार्य भी मरम्मत कार्य के अंतर्गत ही आता है। आगे हम देखते हैं पेयजल स्रोत की मरम्मत करवाई जा सकती है। साथियों निश्चित तौर से हमारे विद्यालय में पेयजल स्रोत होते हैं, किसी विद्यालय में कुआ या हेडपंप या नलकूप जो भी हो, तो यदि उसमें किसी प्रकार की खराबी आ गई है या कोई साफ सफाई की आवश्यकता है तो ये भी हम मरम्मत कार्य के अंतर्गत करवा सकते हैं। यदि कोई कुआ मान लो तो कुआ की साफ सफाई की आवश्यकता होती तो हम इसको भी हम मरम्मत कार्य के अंतर्गत करवा सकते हैं। तो साथियों आज के इस कालखंड में मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि एक विद्यालय में मरम्मत के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शिक्षक साथी कई बार भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि ये कार्य किस कार्य के अंतर्गत आता है। तो इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने यह वीडियो तैयार किया है ताकि आप लोगों को सुविधा हो सके। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। इसी के साथ इस कालखंड से विदा लेते हैं, अगले कालखंड में पुनः किसी नए प्रकरण को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।